जे स्टूडेंट्स जहांगीर पार्ट टू जहांगीर को समाप्त करते हैं, सॉरी जहांगीर के जो वीडियो में जो एक्सरसाइज है उसको समाप्त करते हैं। स्टूडेंट्स जहांगीर हिस्ट्री है, चल रही है, मध्यकाल में मान चुके हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स आधुनिक काल और फिर वर्ल्ड हिस्ट्री बेहतर से बेहतर पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स लिखना स्टार्ट कीजिए जहांगीर टू और क्या क्या रिमेन बचता है, शेष बचता है जहांगीर के बारे में। स्टूडेंट्स लिखना स्टार्ट करेंगे जहांगीर के काल में स्टूडेंट्स 1616 से लेकर आगे बढ़िए 1600 से 1624 तक प्लेग फैला था स्टूडेंट्स। प्लेग की महामारी स्टूडेंट्स काफी परेशान किया दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्र, दोआब क्षेत्र, आगरा, दिल्ली, इस महामारी से काफी परेशान हुए स्टूडेंट्स। जैसे पिछले दिनों स्वाइन फ्लू था तो प्लेग स्टूडेंट्स लिखी चूहों से फैलने वाली बीमारी, प्लेग स्टूडेंट्स चूहों से फैलती। और स्टूडेंट्स लिखिए लास्ट टाइम मेरे को याद आता है 1994 भारत में आखिरी बार यदि आपसे पूछा जाए कि प्लेग कब फैला था तो आप बताएंगे 1994। और स्टूडेंट्स सूरत शहर गुजरात के सूरत शहर में आखिरी बार स्टूडेंट्स प्लेग का जो है महामारी फैली थी, पूरा सूरत शहर खाली हो गया था। मेरे स्टूडेंट्स यादाश्त बेहतर है, मेरे को याद आता है मैंने एक न्यूज़पेपर पढ़ा था कि 1994 आई वाज इन एट्थ क्लास, मैं आठवीं क्लास में था, मेरे को याद आता है कि प्लेग शहर स्टूडेंट्स प्लेग के कारण सूरत शहर पूरा खाली हो गया था। और स्टूडेंट्स वहाँ पे कोई IAS अफसर बन के गए थे, मेरे को इतना भी याद आता है, उन्होंने वहाँ के आदमियों को इतनी सफाई की आदत दी कि सूरत उस समय के कुछ दिनों बाद भारत का साफ सुथरा शहर बना था, नंबर एक पे सूरत आया था। चंडीगढ़ को भी पीछे छोड़ दिया था स्टूडेंट्स ने सूरत शहर। वापस आइए जहांगीर के ऊपर बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स जहांगीर के काल में अंग्रेज अधिकारी आते हैं व्यापार की अनुमति के लिए। देखिए स्टूडेंट्स विलियम हॉकिंस सबसे पहले आए थे, विलियम हॉकिंस व्यापार की अनुमति के लिए 1608 में आए थे कि हमें अनुमति दीजिए, हम ट्रेड करना चाहते हैं भारत में। उसके बाद स्टूडेंट्स नंबर दो पे लिखिए, कई बार कंफ्यूजिंग पॉइंट आता है, सर टॉमस रो नंबर दो पे आए थे, सर टॉमस रो ये स्टूडेंट्स आए थे 1615। ये भी लिखिए स्टूडेंट्स जहांगीर सबसे ज्यादा ईसाई धर्म से प्रभावित था, जहांगीर स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा ईसाई धर्म से प्रभावित था, मुस्लिम धर्म से प्रभावित नहीं था। अकबर स्टूडेंट सबसे ज्यादा हिंदू धर्म से प्रभावित था। और लिखते रहेंगे स्टूडेंट्स जहांगीर के बारे में 1612 में पहली बार रक्षाबंधन स्टूडेंट्स जहांगीर ने विधिवत मनाना शुरू किया था, जहांगीर ने स्टूडेंट्स सबसे पहले विधिवत रूप से रक्षाबंधन को मनाना स्टार्ट किया था। चित्रकला, आपसे पूछा जाएगा कि चित्रकला मुगल काल में किस शासक के समय सबसे ज्यादा फली फूली, तो स्टूडेंट्स आप कहेंगे जहांगीर के काल चित्रकला स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा जहांगीर के समय में फैला हुआ। खुद जहांगीर स्टूडेंट्स बहुत बड़े चित्रकार थे, कहते थे कि मैं चेहरा घुमा लेता हूँ, चार या पांच आप कोई भी चित्र बनाइए, मैं बता सकता हूँ किसके हाथ किसने बनाए हैं, पैर किसने बनाए हैं, फेस किसने बनाया है। तो स्टूडेंट्स बहुत बड़े पारखी भी थे। लिखते रहेंगे स्टूडेंट्स और आगे जहांगीर के बारे में। स्टूडेंट्स जहांगीर अकबर के समय से चली आ रही गोहत्या को पर प्रतिबंध रखा, गोहत्या पर प्रतिबंध जहांगीर ने जारी रखा, गोहत्या पर प्रतिबंध स्टूडेंट्स अकबर ने लगवाया था, क्योंकि वो दीन इलाही धर्म जब उन्होंने चलाया सर्वधर्म की एक बात थी, तो स्टूडेंट्स गो हत्या पे निषेध था। हालांकि इतना जहांगीर कठोर नहीं थे स्टूडेंट्स, जुआ खेलने की अनुमति नहीं थी, फिर भी दिवाली के अवसर पे इन्होंने
जुआ खेलने की इजाजत दे रखी थी कि आप दीपावली के ऊपर जो है जुआ खेल सकते हैं, अदरवाइज आप किसी दिन जुआ नहीं खेल सकते। स्टूडेंट्स, एक वर्तमान समय में हम देखते हैं पुरुष लड़के यहाँ कान बिंधवाते हैं, कुछ आभूषण पहनते हैं, मुरकी वगैरह पहनते हैं। तो स्टूडेंट्स, कान में छिद्र करवा के और आभूषण धारण करना, ये परंपरा स्टूडेंट्स जहांगीर की देन है। लिखते रहेंगे कि कान में छिद्र करके आभूषण पहनना, ये प्रथा भी स्टूडेंट्स किसकी देन है? जहांगीर की देन है। जहांगीर के समय में स्टूडेंट्स काफी प्रचलित हुई थी। खुद ये तो मैं नहीं जानता कि जहांगीर ने कुछ ऐसा किया होगा, बाकी हिस्ट्री में ऐसा लिखा जाता है कि ये परंपरा जहांगीर की देन है। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, मैंने पहले बताया आपको, बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से स्टूडेंट्स इनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। लिखते रहेंगे आगे अभी स्टूडेंट्स, ये वैद्य को बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या किया जाए। स्टूडेंट्स फेफड़े खराब हो जाते हैं, ज़्यादा शराब पीते हैं फेफड़े खराब हो जाते हैं, पूरे शरीर को ऑक्सीजन पहुँच नहीं पाती है। तो स्टूडेंट्स वैद्य ने बताया कि आगरा का मौसम गर्म है, आप लाहौर, आप जो है जम्मू कश्मीर जाए। ये स्टूडेंट्स कश्मीर जाते हैं, कश्मीर में स्टूडेंट्स ज़्यादा ठंड पड़ती है, फिर वैद्य कहते हैं कि आप लाहौर जाइए, लाहौर का मौसम थोड़ा सर्द है। लेकिन स्टूडेंट्स ये जब लाहौर की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो भीमवार नामक जगह पे, भीमवार नामक जगह पे स्टूडेंट्स इनकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि इनको लाहौर में दफनाया जाता है सहादरा में, सहादरा लाहौर में स्टूडेंट्स इनको दफनाया जाता है। 1627 में स्टूडेंट्स इनकी मृत्यु हो जाती है। एक दो चीज और स्टूडेंट्स, इनके पांच पुत्र थे। वैसे तो अभी देखिए मैंने आपको बताया कि पांच पुत्र मेन, सबसे पहले खुसरो जिनको इन्होंने मरवा दिया था। खुसरो स्टूडेंट्स मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था आपको कि आमेर के शासक भगवान दास की पुत्री मानबाई से पैदा हुए थे। खुर्रम स्टूडेंट्स शाहजहां जो बाद में शासक बनते हैं, शाहजहां ये स्टूडेंट्स जोधपुर के शासक थे उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से स्टूडेंट्स पैदा हुए थे शाहजहां। उसके बाद स्टूडेंट्स खुसरो शाहजहां परवेज जो पैदा हुए थे बेगम साहिल और स्टूडेंट्स सहरियार और इनके पांचवें पुत्र स्टूडेंट्स जहादार। अब देखिए इन की यदि मदर्स के बारे में बात करेंगे तो स्टूडेंट्स थोड़ा डीपली हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आके जहांगीर मर जाते हैं अकस्मात, ज़्यादा शराब पीने की वजह से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे शाहजहां गद्दी को संभालते हैं, शाहजहां मुगल वंश को आगे की तरफ लेके जाएंगे। जो चीज़ें याद करने लायक हैं पर्सनली मैं कहूँ आपको, तो एक अच्छे चित्रकार, ज़बरदस्त चित्रकार, एक उदार इंसान जिन्होंने टैक्स को माफ़ किया। एक और उपलब्धि यदि आप जोड़ना चाहें जहांगीर की तो स्टूडेंट्स मेवाड़ विजय, एक और जीत यदि आप इनके नाम करना चाहें तो मेवाड़ की जीत। राणा की मौत के बाद स्टूडेंट्स उनके पुत्र अमर सिंह ने काफी संघर्ष किया। हालांकि अकबर के समय भी स्टूडेंट्स संधि हुई थी, कंप्लीट जीत नहीं पाए थे मेवाड़ में। इन्होंने स्टूडेंट्स प्रयास किया, तीन या चार एफर्ट के बाद स्टूडेंट्स तैयार हुए अमर सिंह की, ठीक है मैं चलता हूँ। जहांगीर से मिले और अधीनता स्वीकार की। जहांगीर ने स्टूडेंट्स अपनी आत्मकथा तुजोगे जहांगीरी में साफ साफ लिखा है कि जो काम मेरे पूर्वज नहीं कर पाए, मेरा सौभाग्य था कि मेवाड़ के शासक जिन्होंने कभी बादशाह से भेंट नहीं की थी उन्होंने मेरी
जो है अधीनता स्वीकार की मैं खुश हूँ, तो स्टूडेंट्स मेवाड़ की जीत कहूँगा कि इनके नाम एक और बेहतर चीज़ थी। तो स्टूडेंट्स आगे साँझ हमको बढ़ाएंगे अच्छे तरीके से, जितना मेरे को आता है, जितना परीक्षा के लिहाज से मैंने अनुभव किया है, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ाएंगे आपके साँझ को। तो स्टूडेंट्स अच्छे से नोट्स आप तैयार करते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।